हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आई एम ऑटोकैड में। मैं आप लोगों को मॉडिफाइड टूल बार के बारे में बता रहा हूँ। उसमें आज मैं आप लोगों को ट्रिम कमांड बताऊंगा कि ट्रिम कमांड का यूज कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट को ट्रिम कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा। उसके लिए मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, हमको इसमें से ये वाला पार्ट या बीच का पार्ट या यहाँ कहीं भी कुछ पार्ट को बीच से ट्रिम करना है, कट करना है, तो उसके लिए ट्रिम कमांड का यूज करते हैं। ट्रिम कमांड का शॉर्टकट की होता है TR। TR टाइप करने के बाद आपको डबल एंटर करना है। डबल एंटर करने के बाद आपको जिस लाइन को कट करना है वहां आपको सेलेक्ट करना होगा। मान लो ये मुझे ट्रिम करना है ऐसा, इस टाइप से आप ट्रिम कमांड का यूज कर सकते हैं। सिंगल लाइन ट्रिम नहीं होता है, जैसे ये सिंगल ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रिम नहीं होगा। ऐसा आप विंडो सिलेक्शन से भी एक साथ ट्रिम कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप ऑब्जेक्ट का टारगेट सेलेक्ट करके भी ट्रिम कर सकते हैं। मान लो आपके पास इस टाइप से ऑब्जेक्ट है, अगर आपको इस लाइन के इस पर पूरे हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर कट करना है तो उसके लिए आपको TR एंटर करना है। आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर एंटर करना है, फिर आप लाइंस को सेलेक्ट करते जाइए तो इस लाइन के इस पर जितना भी पार्ट है वो कट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप ट्रिम कमांड का यूज कर सकते हैं। वैसे ही आप रेक्टेंगल कमांड में देख लीजिए या सर्कल कमांड में देख लेते हैं। मान लो ये मैंने लाइन बना दिया, तो इस लाइन के इस पर जो ऑब्जेक्ट है उसको ट्रिम करना है, तो उसके लिए TR डबल एंटर किए या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए, तो यहां से ये ट्रिम हो जाएगा। ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, ट्रिम नहीं होगा, ये ट्रिम हो जाएगा। वैसे ही आप इस लाइन के अगर ये सर्कल को आप ट्रिम करना चाहते हैं, इस पार्ट को, तो ये ट्रिम नहीं होगा क्योंकि इसके लिए आपको दो पॉइंट चाहिए सर्कल में। मान लो ये वाला जो ऑब्जेक्ट अगर यहां तक है तब ये इतना पार्ट ट्रिम हो जाएगा, TR डबल एंटर करने से ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम नहीं होगा। तो आप ट्रिम कमांड का यूज इस टाइप से कर सकते हैं। किसी भी अब ऑब्जेक्ट को कुछ छोटे पार्ट्स में अगर आपको कट करना है तो आप ट्रिम कमांड यूज कर सकते हैं। एक तरीका है जो डबल क्लिक करके आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ट्रिम हो जाएगा, या आप जहां तक आपको ट्रिम करना है एक बार सिलेक्ट कर लीजिए TR एंटर, ये मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया एंटर, ये एक साथ ऐसा, और दूसरा है TR डबल एंटर करने से जो पार्ट आपको कट करना है ट्रिम करना है वो ट्रिम हो जाएगा। आपको ध्यान रखना एक बात कि सिंगल लाइन ट्रिम नहीं होता है, उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, हटाना है। तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, ये एंटर करके डिलीट कर दिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ट्रिम कमांड का यूज कर सकते हैं। आगे के मॉडिफाई टूलबार्स को देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल आई एम ऑटोकैड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।